वागदा नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांजटिया। सीए फाइनल स्टूडेंट्स, एएफएम का पेपर मई 24 में तो काफी इजी था और चेकिंग उससे भी इजी था। यूजुअली क्या होता है, पेपर इजी होता है तो इंस्टीट्यूट चेकिंग का लेवल बढ़ा देती है, बट ये तो मैंने बहुत रेयरली देखा है जब पेपर भी इजी आए और चेकिंग उससे भी इजी हो और ग्रेस मार्क्स भी दे दिया हो। बोलो लाइफ में और क्या चाहिए। बट देन एक कहावत है, एवरी डे इज नॉट अ संडे। सो नवंबर 24 एक्सपेक्ट अ चैलेंजिंग पेपर इन सीए फाइनल एएफएम। सर क्यों डरा रहे हो, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? देखो उसमें क्या है भाई, तुम लोग सीए का एग्जाम दे रहे हो ना, कोई बीकॉम वीकॉम का तो एग्जाम नहीं दे रहे। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। देखो इजी पेपर आ गया तो अच्छी बात है, बट आई डाउट दैट विल हैपन। आई अकॉर्डिंग टू मी द पेपर विल बी चैलेंजिंग, होना भी चाहिए, बिकॉज दैट्स वेयर वी विल क्रिएट बेटर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। बट अपने को डरने की जरूरत नहीं है, क्यों? बिकॉज वी विल कवर आवर सेल्स इन सच अ वे दैट पेपर कितना भी चैलेंजिंग आए, वी शुड बी एबल टू मैनेज इट इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल। सो मैं आ रहा हूं आप लोगों के साथ क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स का रिविजन लेके, राइट? आप लोगों को ये वीडियो के कमेंट्स में मुझे बताना है कि क्या टाइम पे मैं आऊं यूट्यूब के ऊपर लाइव। यस, यू हर्ड दैट राइट, आई विल बी कमिंग लाइव ऑन यूट्यूब फॉर अ सिंपल रीजन, बिकॉज साथ साथ में हो जाएगा एक डिसिप्लिन के साथ। सो मैं आप लोगों के साथ एक शेड्यूल शेयर करूंगा, उस शेड्यूल के थ्रू वी विल कंडक्ट द लेक्चर्स लाइव ऑन यूट्यूब। तो डेफिनेटली स्टे कनेक्टेड। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन क्लिक कर लो, सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशन जब मैं लाइव लेने वाला हूं। दूसरा, इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करूंगा एंड वहां से आपको सारे नोट्स डाउनलोड कर लेने हैं। तो सर क्या टाइमिंग होगा ये आप बताएंगे, सर कौन से चैप्टर्स करवाओगे प्रायोरिटी पे ये आप बताएंगे। मैंने मेरे दिमाग में कुछ चीजें सोच के रखी है दैट आई विल इंप्लीमेंट ऑब्वियसली ऑन द यूट्यूब एज वेल। सो अपन फोकस क्या रहेगा अपना आने वाले कुछ दिनों में, तो कब तक सर कंप्लीट करने का प्लान है? तो मेरा प्लान है आने वाले जो 12 to 13 days है, मतलब आने वाले एक दो हफ्ते में ये पूरा कंप्लीट कर दूंगा मैं। मतलब 30 September तक मेजरली अपन कंप्लीट कर लेंगे इंपॉर्टेंट बड़े बड़े चैप्टर्स। यू नो व्हाई? बिकॉज फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से मेरा सीए फाइनल एएफएम का रेगुलर नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आई वांट टू फोकस देयर। उसके पहले क्यों ना आप लोगों को मैं फ्री कर दूं। तो एग्जांपल लेता हूं मैं म्यूचुअल फंड्स का। तो म्यूचुअल फंड्स के जितने भी मास्टर क्वेश्चंस है आईसीएआई मॉड्यूल के, मैजिक बुक के, यार देखो आप लोगों के पास मैजिक बुक नहीं है कोई बात नहीं, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव मैजिक बुक विद यू एग्जाम डे के लिए, पूरा का पूरा यार रिविजन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड इट्स जस्ट 299। आप लोगों को सारे फॉर्मूलाज एक जगह पे मिल जाएंगे, मास्टर क्वेश्चंस एक जगह पे, थ्योरी जो एग्जाम में पूछी जा सकती है इन एमसीक्यू और इन जनरल, दैट आल्सो विल बी विद यू एट वन प्लेस। बाकी ऑब्वियसली टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ भी शेयर करते रहूंगा फॉर मेकिंग लाइफ इजियर फॉर यू। सो माजिक बुक के मास्टर क्वेश्चंस है, पता ही आपको क्या लेवल के माजिक बुक के मास्टर क्वेश्चंस, ये कर लिए मास्टर क्वेश्चंस, देन इन दैट केस वी नो दैट इसके अलावा अपने को और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, राइट? सो ये मैं करने वाला हूं लाइव ऑन यूट्यूब, प्लस आईसीएआई एमसीक्यू पे कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है उसका मैं रेफरेंसिंग दूंगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर आप लोग ने ये बार का आईसीएआई का एमटीपी का पेपर देखा होगा ना, तो यू विल रियलाइज दैट देखो ये आइडियली एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी का, बट देखो उन्होंने कैसे उसको एक एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा। दिस इज वॉट इज गोइंग टू हैपन विद यू ऑल्सो। ये देखो म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन है, बट देखो वॉट दे हैव डन, एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लिया है बॉस। So this makes things very good, अच्छा है, मजा आएगा। डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन है। अब अगर आप कुछ लोग स्टूडेंट्स की आदत होती है फॉरेक्स डेरिवेटिव्स ऑप्शन में छोड़ के जाते हैं खतरों के खिलाड़ी, कभी कभी इट वर्क्स, बट इफ इट डजंट और अगर उससे रिलेटेड एमसीक्यू आ गया, सीधा 5 into 2 आपको उधर दिख रहा है, 10 mark यू आर पुटिंग एट स्टेक। ऐसा कुछ ना हो इसके लिए मैं मेरी तरफ से मेहनत कर रहा हूं, आप आपकी तरफ से मेहनत करो, आपके जो फ्रेंड्स हैं जो नवंबर 24 या जिनको भी इंटरेस्ट है इस लेक्चर्स में, सीडब्ल्यूए वाले भी, सो यू कैन स्टे कनेक्टेड गाइस, ट्रस्ट मी दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल। प्लस मैं आप लोगों को पूछ भी रहा हूं कि आपको क्या चाहिए वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू कवर एज मच एज क्वेश्चन एंड आंसर्स एज मच पॉसिबल। तो क्लास के अंदर ही फटाफट से, फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई क्वेश्चन करवाना है तो उसका एक जुप करके आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा दिया, फिर उसी से रिलेटेड क्विकली क्वेश्चन सॉल्व कर लिया एंड वी आर थ्रू। ऑल्सो इसको लाइव तो अटेंड कर ही लेना, तो एक डिसिप्लिन से एएफएम आपका सॉर्टेड हो जाएगा। दूसरी चीज है, जब आप रिवाइज करेंगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर तभी भी आप लोगों के साथ ये रहेगा तो इट विल बिकम वेरी वेरी हेल्पफुल।
आपको बताना है मुझे टाइम, प्रायोरिटी ऑफ चैप्टर्स एंड एनी स्पेसिफिक थिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टेक दीज रिविजन सेशन विद फुल जोश एंड होश. टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता. स्टे कनेक्टेड गाइज, स्टे सब्सक्राइब एंड डू शेयर इट विद एनी ऑफ योर फ्रेंड्स हु वुड ऑल्सो बी इंटरेस्टेड. शेड्यूल मेरा ऑलमोस्ट रेडी है, बट मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट्स के लिए. एंड देन उसके बेस पे अगर मुझे कुछ ऊपर नीचे करना है तो ठीक, अदरवाइज आई विल बी रिलीजिंग द शेड्यूल वेरी सून इन माई टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है. यू कैन कनेक्ट विद मी देर टू गेट द शेड्यूल एंड गेट स्टार्टेड फॉर अ लाइव ऑन यूट्यूब रिविजन सेशन. वैसे मैंने SCMP में ऐसे ही कुछ लाइव रिविजन सेशन किया था, एंड वो ही एग्जाम में एज इट इज 25-30 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए थे एग्जाम में. सो आई एम श्योर यू डोंट वॉन्ट टू मिस द अपॉर्चुनिटी दिस टाइम आइदर. मिलते हैं, खूब मजा करेंगे, कॉन्सेप्ट्स भी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स भी, एंड बहुत कुछ. टेक केयर, कीप स्माइलिंग.